कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं भगवान ऋषभ देव द्वारा दिए गए उपदेशों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम। देखिए, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के रूप में हमारे साथ हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णित प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक विषय सामग्री वास्तव में भक्ति वर्धक है। भक्ति सिद्धांत का पता चलता है, भक्ति कैसे बढ़ाई जाए और उसमें क्या बाधाएं आती हैं, कैसे बचा जाए, सब कुछ रस तत्व और रस तत्व में डूबना और कैसे भगवान का भजन और भगवान का कीर्तन करके कोई व्यक्ति इस भयंकर भवसागर से पार हो सकता है, सब कुछ बताया है श्रीमद् भागवतम में। हम कितने ही वर्षों से जो प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं वो श्रीमद् भागवतम के श्लोकों पर ही आधारित है। और ऋषभ देव जी ने देखिए कितनी सुंदर चर्चा की है, कितने सुंदर श्लोक दिए हैं, बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं उन्होंने। आज कह रहे हैं मनोवचो दृक करणे हितस्य साक्षात कृतम में परिबर्हणम ही बिना पुमान येन महाविमोहात कृतांत पाशान विमोक्तुमीशेत। अर्थात मन, दृष्टि, वचन और समस्त ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, इन समस्त इंद्रियों का वास्तविक कार्य मेरी सेवा में लगे रहना है। जब तक जीवात्मा की इंद्रियां इस तरह से सेवारत नहीं रहती, तब तक जीवात्मा को यमराज के पाश जैसे सांसारिक बंधन से निकल पाना दुष्कर है। देखिए, भगवान ने बहुत बड़ा ज्ञान दिया है कि मन, दृष्टि, वचन और सारी ज्ञानेंद्रियां, ये जो हमारे मस्तक में, हमारे चेहरे में जितनी इंद्रियां हैं, ये आंखें, ये नाक, ये कान, ये जिह्वा, ये स्वाद लेने वाली इंद्रियां, है ना, ये कान नाक, ये सब कुछ, ये हैं ज्ञानेंद्रियां। ये ज्ञानेंद्रियां हैं और इनसे हमें ज्ञान मिलता है। संसार का ज्ञान लेते हैं हम इन इंद्रियों से, ये हमारी भूल है। हम जड़ चीजों का स्वाद लेना चाहते हैं और सोचते हैं इनमें आनंद है। हम हैं आनंद की संतान, जीव भगवान के अंश हैं। और इन ज्ञानेंद्रियों को चूंकि यहां लगा देते हैं, ये ज्ञानेंद्रियां हमारे लिए झूठा ज्ञान लाती हैं, झूठा रस लाती हैं, और हम इन झूठे रसों को पाने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य करते रहते हैं सारा समय, और लास्ट में हमें लगता है सब बेकार हो गया। ये जो एक ज्ञान की बात है, जो बहुत गूढ़ नॉलेज है, जो बहुत बड़ा सार है जीवन का, उसे प्राप्त करने के लिए, उसे जानने के लिए हम अपनी जिंदगी के 60 सालों को लगा देते हैं, खपा देते हैं, और बाद में देखते हैं अरे मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आया। क्यों भला? क्योंकि हमने अपने मन को, अपनी दृष्टि को, अपनी वाणी को, अपने ज्ञानेंद्रियों को, अपने कर्मेंद्रियों को भगवत सेवा में नहीं लगाया, जबकि इनका असली काम भगवान की सेवा में लगे रहना है। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। ज्ञानेंद्रियों से भगवान की सेवा का कार्य करना है, है ना? जैसे कि महाराज अम्बरीश अपनी समस्त इंद्रियों से भगवत सेवा करते थे, सावय मना कृष्ण पदारविंदयोर, उनका मन श्री कृष्ण के चरणों में लगा था,
उनकी वाणी भगवत गुणगान में लगी हुई थी, उनकी आंखें भगवान के शिव विग्रह का रूप निहारने में लगी थी, ग्रंथ अध्ययन करते थे, उनके हाथ मंदिर मार्जन में लगे रहते थे, भगवान की सेवा में लगे रहते थे, उनके जो चरण हैं वो भगवान के मंदिर में जाने में लगते थे, तीर्थों में जाने में लगते थे, भगवत संबंधी कार्यों में उनकी समस्त इंद्रियां लगी हुई थी। सबसे मुख्य जो चीज है वो है मन। मन मना भव मद भक्तो, भगवान ने कहा ये मन मुझे दे दो, है ना। और अगर मन वहां चला गया तो फिर दृष्टि यहां वहां तो जाएगी नहीं, दृष्टि भी भगवान की तरफ जाएगी, क्योंकि जहां मन होता है इंद्रियां वहीं भागती हैं। तो मन लगेगा कैसे, कैसे जाएगी भगवान की तरफ हमारी दृष्टि, हमारी वाणी में कब भगवान का यश गान होगा, हम कब अपनी वाणी को कृतार्थ करेंगे भगवान का नाम गुणगान गाके, कब होगा ये सब। हमारी कर्मेंद्रियां वो तो सब जगह जाती हैं, दुनियावी जगहों पर जाती है आनंद लूटने के लिए, ये सारे जो मॉल्स हैं, ये सारे क्लब्स, दूसरों के घर जाना, पार्टीज में जाना, इधर उधर, ये क्या है, खुद को धोखा देते हैं हम। इनका वास्तविक कार्य है भगवद सेवा करना। देखिए शास्त्र ये कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय पर उसका एक अधिष्ठात्री देवता होता है, जब वो देखता है कि इस व्यक्ति ने, इस जीवात्मा ने इन इंद्रियों को दुनियावी कार्यों में लगा दिया है तो वो बहुत रुष्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम भगवत कार्य में लगाएं अपनी समस्त इंद्रियों को, जैसे कि नारद पंचरात्र में भी नारद जी ने कहा है ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, कि समस्त उपाधियों से विमुक्त हो जाओ, उसके बाद निर्मल हो जाओ और अपनी समस्त इंद्रियों से ऋषिकेश की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, इसे ही भजन और भक्ति कहते हैं, है ना। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक क्या होगा, तब तक इस सांसारिक बंधन से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। तो भजन भक्ति करनी होगी और इसके लिए जानना होगा कि ये भजन भक्ति है क्या। ये याद रखिए कि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि भगवान से हमारा संबंध क्या है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। चाहे हम कितने भी प्रकार के क्यों ना अनुष्ठान कर लें, कितने भी अनुष्ठान कर लें और हम उसे धर्म कहें, लेकिन अगर उसके द्वारा भगवान की लीला कथा श्रवण करने में या वर्णन करने में रुचि उत्पन्न नहीं होती, श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, तो बताया भाई वो धर्म सिर्फ श्रम है, उसका फल तो कुछ प्राप्त नहीं होता। परंतु भक्ति की जो पहली सीढ़ी है वो सीढ़ी ही है कि हम भगवान की लीला कथा श्रवण में और भगवत स्वरूप शास्त्र गुरु के वचनों में श्रद्धा युक्त रहें, रुचि युक्त रहें। और ये तो स्पष्ट है कि जिसमें हमारी रुचि होगी उसी के बारे में बोलने में भी हमारी रुचि होगी, हम सुन रहे हैं ना उनके बारे में लगातार, तो जो सुनते रहेंगे वही बोलेंगे। अगर आप दुनियावी गाने सुनते रहेंगे तो वही मुंह पर आते रहेंगे, बारंबार गुनगुनाते रहेंगे। अगर हम भजन सुनते रहेंगे, भगवान की लीला कथा श्रवण करते रहेंगे, तो फिर किसी से बात करेंगे तो बीच में वो जरूर आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि ठीक है ये सब तो हमें नहीं पता, परंतु अगर हम खूब धर्म का अनुष्ठान कर लें, खूब कर्म योगी बन जाएं, तो क्या उसका कोई भी फल नहीं? तो उत्तर है हाँ, कोई भी फल नहीं, क्योंकि भगवान का आश्रय नहीं किया गया। कोई भी कार्य भगवान के आश्रय से रहित होगा अगर, तो वो अपना फल प्रदान नहीं कर सकता, वो धर्म श्रम ही रह जाता है। इसीलिए सबसे पहला जो कर्तव्य है हमारा वो ये है कि हम सत्संग करें, भगवान
के महत व्यक्ति का, भगवान के महत भक्त का संग करें, उनके श्रीमुख से लीला कथा का श्रवण करें, भजन करें, तो फिर स्मरण में, पाद सेवन में, अर्चन वंदन में, भक्ति के समस्त अंगों में रुचि पैदा होने लगेगी। अगर ऐसा हो गया तब तो सफल है हमारा सब कुछ, वरना श्रम है, सिर्फ लेबर है और कुछ नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत श्रवण कीर्तन कर लेता है कोई व्यक्ति, मगर फिर भी उसके अंदर श्री कृष्ण के प्रति कोई भाव ही उत्पन्न नहीं होते, सूखा सूखा रहता है, आखिर क्यों? तो इसके लिए यही कहा गया कि देखो भाई, अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण भक्त का चरण आश्रय लिए बगैर और सिर्फ दुनियावी फल भोगों की लालसा में जकड़े रहकर स्थूल शरीर और मन की सहायता से साधन कर रहा है, लग रहा है कि साधन कर रहा है, पर ना तो उसने श्री कृष्ण भक्त के चरणों का आश्रय लिया, ना भगवान के चरणों का आश्रय लिया, उसके अंदर अभी भी जो है प्राकृत फल भोगों की वासना है कि मेरा घर बार ठीक हो जाए, मेरे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ जाएं, मेरे पति मुझसे प्रसन्न रहें, बहुत सारी वासनाएं हैं, बहुत सारी वासनाएं हैं, और वो भजन कर रहा है। तो वास्तव में वो भजन इसलिए नहीं कर रहा है कि वो भगवान को खुश करना चाहता है, भजन इसलिए हो रहा है कि सब जगह शांति रहे, मेरा परिवार उन्नति कर सके। इसलिए कृष्ण रति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति भाव पैदा ही नहीं होता। यानी कि उसका ये जो साधन है, बेशक वो श्रवण कीर्तन कर रहा है भगवान की लीला कथाओं का, लेकिन तो भी ये जो साधन है वो नश्वर कहलाएगा, वो अनित्य कहलाएगा, वो वास्तविक भक्ति का रूप धारण नहीं करता, है ना? तो अगर कृष्ण रति रूपी फल प्राप्ति नहीं हुई तो इसका मतलब है श्रवण कीर्तन साधन भी श्रम मात्र हो गए। बहुत बड़ी जानकारी है ये। गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ हुई कि हमने कोई श्री कृष्ण भक्त जो कि उच्च श्रेणी के हों, जो महत हों, उनके चरणों का आश्रय नहीं लिया और हम सिर्फ प्राकृत फल भोगों की इच्छा में डूबे हुए हैं, वो भी हमारे अंदर अच्छी खासी मात्रा में है, और हम स्थूल शरीर से साधन कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो भी श्रम मात्र हो जाते हैं, वहां भी कोई फल नहीं मिलता। कहा गया है, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबहु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। यानी कि अगर श्री कृष्ण की सेवा करने की इच्छा मन में नहीं है कि हाँ श्री कृष्ण की ही सुख की कामना अगर हृदय में नहीं जागृत होती है, प्रिया प्रियतम के सुख की कामना, कि आप सुखी रहें, आपको जरा भी दुख ना हो, मैं आपके लिए ही हूं और मैं आपका ही दास अनुदास हूं, जब तक ये भाव हृदय में जागृत नहीं हो रहा है तब तक चाहे जन्म जन्म लेकर ही श्रवण कीर्तन क्यों ना करें, लेकिन तब भी कृष्ण चरण में प्रेम धन नहीं मिलता। ये बहुत खतरनाक बात है ना? इसीलिए प्रवृत्ति मार्ग में जितने भी यज्ञ आदि कर्मों के बारे में कहा जाता है, उनके फल बतलाए जाते हैं, वो क्या है? स्वर्ग आदि लोकों के सुख भोग। लेकिन ये तो सोचिए, जब प्रलय होती है तो स्वर्ग आदि भी नष्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को स्वर्ग मिल भी गया कोई याग यज्ञ करके, उच्च कर्म करके, तो फिर वो तो नश्वर फल है, अनित्य है, है? तो इसलिए प्रवृत्ति मार्ग भी बेकार हो जाता है। और निवृत्ति मार्ग यानी अगर कोई निष्काम धर्माचरण कर रहा है, यदि वो भगवत भक्ति से रहित है, तो आपको बताया ही कि तब भी उसे कभी भी भगवत ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अगर उसे प्राप्ति हो भी जाए, मान लीजिए कोई आ ही गया जीवन में, उसने भगवान के बारे में बता दिया,
तो वो प्राप्ति भी स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट भाव से कहते हैं कि जिसकी भगवान में पराभक्ति होती है सिर्फ वो ही उस परब्रह्म वस्तु श्री भगवान का अनुभव और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान कोई थियोरेटिकल ज्ञान नहीं है भगवत ज्ञान, यहां तो सब कुछ प्रैक्टिकल है। और जब तक ऐसा अनुभव प्राप्त नहीं होता है तब तक हम कुछ भी कर लें तो समझ लीजिए ये ऐसा ही है कि धान के छिलकों को कूट रहे हैं पर हाथ कुछ नहीं आया। तो भक्ति किए बगैर चाहे कोई कितना भी शास्त्र क्यों ना पढ़ ले, कितनी ही तपस्या कर ले, चाहे कितने ही वैराग्य कर ले, समझ लीजिए वो बस सिर्फ कष्ट उठा रहा है और उसके सिवा उसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। उसे भगवत प्राप्ति भी नहीं होती और ना ही जन्म मरण रूपी दुखों से छुटकारा मिलता है। इसलिए भक्ति ही सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी दौलत है, याद रखना होगा।